अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मटन हांडी की रेसिपी। चलो तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो मटन, 1/4 कप तली हुई प्याज, 2 टमाटर की पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, नमक स्वाद के हिसाब से, साबुत गरम मसाले, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया, 1/4 कप ऑयल। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम को ऑन करती हूँ और इसमें मैं ये ऑयल गरम करने के लिए रख देती हूँ। व्यूवर्स, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तभी इसमें मैं ये साबुत गरम मसाले डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा भून लेते हैं। अभी मैं इसमें ये मटन को डाल दूंगी। मटन का कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मटन का कलर चेंज हो गया है, तो अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला लूंगी और साथ में चिली पेस्ट भी मिला लूंगी। इसको मैं बराबर से भून लूंगी। व्यूअर्स, जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट को मैंने बराबर से भून लिया है, तो अभी मैं इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें तली हुई प्याज मिला दूंगी, टमाटर की पेस्ट और साथ ही में सारे ड्राई मसाले भी मिला दूंगी। इन सारी चीज़ों को बराबर से भून लेना है। व्यूअर्स, ये मटन हांडी बड़ी मज़े की बनती है, घर में रखी हुई चीज़ों से आराम से बन जाती है। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे बेल का आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। देखिए व्यूवर्स, सारे मसाले को मैंने बराबर से भून लिया है और ऑयल भी अलग हो चुका है, तो अभी मैं इसमें 1/2 कप जितना पानी मिला लूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी और इसको ढक कर 2 व्हिसल आने तक पका लूंगी। फुल फ्लेम पर 2 व्हिसल आने तक पकाना है और फिर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। व्यूवर्स, 15 मिनट हो चुकी है, गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और सारी स्टीम भी निकल गई है। अभी मैं लीड को ओपन करती हूँ। मसाला, क्या कलर आया है और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा है। देखिए व्यूवर्स, मटन हांडी बन के रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसमें हरा धनिया मिलाऊंगी। अभी इस स्टेज पर आपको जितनी ग्रेवी करनी हो उतनी कर सकते हैं, मेरे लिए इतनी ग्रेवी बराबर है, तो अभी मैं इसे सर्व करती हूँ। देखिए व्यूवर्स, मटन हांडी को मैंने सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी, राइस, नान के साथ खा सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।